वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके लिए कुछ नई कारों की अपडेट लेकर हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम भारत में बहुत जल्द यानी कि 2022 और 2023 में लॉन्च होने वाली कुछ एक्साइटिंग एसयूवी की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें हाल में भारत के अलग अलग शहरों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। कंपनियां जल्द ही भारतीय बाजार में अपने नए मॉडल्स उतारने की तैयारी में हैं। इन 10 अपकमिंग कारों की लिस्ट में मोस्ट पॉपुलर कार निर्माता और आपकी पसंद के ब्रांड यानी कि टाटा, टोयोटा, एमजी, किया, ह्यूंडई आदि की कारें शामिल हैं। कारों की प्राइस लो से लेकर मीडियम रेंज तक है, जो कि आपके बजट में बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको एक नई कार लेना है तो आने वाली इन नई कारों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम अपकमिंग कारों के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में पक्का खबर देंगे, जो हमें ट्रस्टेड व्हीकल वेबसाइट से मिली है। तो आइए देखते हैं भारत में कौन कौन सी लेटेस्ट कारों हो रही हैं लॉन्च और इनमें कंपनियों ने कितने अपडेट किए हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर एक पर है 2022 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट विद एडियास। दोस्तों, एमजी हेक्टर इंडिया जल्द ही भारत में एक नई कार लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में 2022 एमजी हेक्टर को गुजरात में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। गाड़ी को नए और अट्रैक्टिव बॉडी कलर के साथ पेश किया जा सकता है। अपकमिंग एमजी हेक्टर के फ्रंट और रियर प्रोफाइल को थोड़ा अपडेट मिलने की उम्मीद है। कार के इंटीरियर में भी काफी बदलाव होने की उम्मीद है। 2022 एमजी हेक्टर एडास फीचर्स के साथ आ रही, जिसमें कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लिंड स्पॉट मॉनिटरिंग आदि मिलने की उम्मीद है। पावर ट्रेन की बात करें तो 2022 एमजी हेक्टर में मौजूद मॉडल के 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 141 बीएचपी और पीक टॉर्क 250 एनएम होगा। पावर ट्रेन में 2022 एमजी हेक्टर को 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 168 बीएचपी और पीक टॉर्क 350 एनएम है। कीमत की बात करें तो दोस्तों, नई एमजी हेक्टर को आप 15 से 22 लाख के बीच में खरीद सकते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो एमजी मोटर्स इस नई मॉडल को 2022 के अंत तक या 2023 की जनवरी या फरवरी में भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। नंबर दो पे है 2023 टाटा सफारी पेट्रोल। दोस्तों, टाटा मोटर्स एक नई पेट्रोल संचालित कार लॉन्च कर रही है, जिसे हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। कार का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। अपकमिंग टाटा सफारी के फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8.8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, लेड हेडलैम्प, रेन सेंसिंग, वाइपर्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आदि मिलेंगे। पावर ट्रेन में 2023 टाटा सफारी को एक इन हाउस डेवलप्ड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 150 बीएचपी का अधिकतम पावर आउटपुट और 250 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। कीमत की बात करें तो आने वाली टाटा सफारी की शुरुआती कीमत होगी 15 लाख, जो कि 24 लाख तक जा सकती है। दोस्तों, नई टाटा सफारी को भारत में 2022 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। नंबर तीन पर है 2023 किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट विद एडास। दोस्तों, पॉपुलर साउथ कोरियन किया कार निर्माता कंपनी के इस अपडेटेड मॉडल को हाल ही में तमिलनाडु में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था, जो एडास फीचर के साथ आ रही है। अपकमिंग किया सेल्टॉस में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। नई फ्रंट और रियर बम्पर, एक हेडलैम्प सेटअप और रिवाइज टेल लाइट्स के साथ गाड़ी को अपडेट किया जाएगा। 2023 किया सेल्टॉस को नई अलॉय व्हील्स मिलने की भी उम्मीद है। पावर ट्रेन की बात करें तो कोरियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किया कंपनी अपने डीजल इंजन लाइन अप को छोड़ सकती है और एक हाइब्रिड विकल्प पेश कर सकती है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए नई किया सेल्टॉस का मौजूदा मॉडल के 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन के विकल्प के साथ पेश किया जाने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो किया सेल्टॉस एक बजट फ्रेंडली कार है, जिसकी शुरुआती कीमत होगी 11 लाख, जो कि 19 लाख तक जा सकती है। नई किया कार को अगले साल यानी कि जनवरी या फरवरी 2023 में भारत में लॉन्च किया जाएगा। नंबर चार पर है टोयोटा रेव 4 हाइब्रिड एसयूवी। दोस्तों, टोयोटा की इस कार को हाल ही में पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। ये एसयूवी एक अलग ही लुक के साथ आ रही है और इसे भारतीय सड़कों पर चलने वाली बाकी एसयूवी से अलग करती है। आने वाली टोयोटा आरएवी 4 की फीचर्स की बात करें तो कार की लंबाई 4,600 mm, चौड़ाई 1,855 mm और ऊंचाई 1,685 mm होगी। नई टोयोटा आरएवी 4 में आपको 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल रियर व्यू मिरर, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग आदि फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों, नई टोयोटा आरईवी 4 का हाइब्रिड
पावर ट्रेन होगा जिसमें कि 2.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी दिया जाएगा। कीमत की बात करें तो इसे ज्यादा किफायती कार कहा नहीं जा सकता। इसकी शुरुआती कीमत होगी 45 लाख जो कि 50 लाख तक जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो टोयोटा RAV4 SUV 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत में भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। नंबर 5 पर है 2023 फोर्स गोरखा 5 डोर। दोस्तों, नई फोर्स गोरखा 5 डोर एक बेहतरीन कार है जिसे हाल ही में मुंबई में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। फोर्स गोरखा 5 डोर गोरखा 3 डोर के प्लेटफॉर्म के एक्सटेंडेड वर्जन पर आधारित होगा। नई फोर्स गोरखा SUV को मौजूदा गोरखा 3 डोर्स वर्जन के 2.6 लीटर CR टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जाएगा जो कि मैक्सिमम 91 BHP पावर आउटपुट और 250 NM पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा जाएगा। कीमत की बात करें तो अपकमिंग फोर्स गोरखा 5 महज 16 लाख में खरीदी जा सकती है। इस लेटेस्ट SUV 2023 के बीच में भारत में लॉन्च होगी। नंबर 6 पे है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। दोस्तों, ये एक बेहतरीन कार है जिसे हाल ही में केरला में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। गाड़ी में एवेंजा जैसी स्टाइल मिलेगी जो गाड़ी को एक अग्रेसिव लुक देती है। नई टोयोटा इनोवा हाइब्रिड इंजन विकल्पों के साथ आ सकती है। गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं। कीमत की बात करें तो नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को आप 20 लाख में खरीद सकते हैं। अब लॉन्च डेट की बात करें तो लेटेस्ट कार 2022 की दिवाली के दौरान भारत में लॉन्च होगी। नंबर 7 पर है ह्युंडई स्टारगेजर। दोस्तों, ह्युंडई का ये लेटेस्ट कार मैस्कुलिन लुक के साथ आ रहा है जिसमें कई सारे फीचर्स मिलेंगे। गाड़ी की साइड प्रोफाइल को टाइपिकल MVP स्टाइल मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी के पिछले हिस्से में ह्युंडई की एच स्टाइलिस कनेक्टेड लेड टेल लैंप्स पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल आदि शामिल है। पावर ट्रेन की बात करें तो नई ह्युंडई स्टारगेजर को 1.5 लीटर पेट्रोल या डीजल इंजन मिल सकता है। कीमत की बात करें तो अपकमिंग ह्युंडई स्टारगेजर को आप 20 से 25 लाख के बीच खरीद सकते हैं। अब लॉन्च डेट की बात करें तो न्यू ह्युंडई स्टारगेजर 2023 की जनवरी या फरवरी में भारत में लॉन्च होगी। नंबर 8 पर है वोल्सवैगन टिगोन एल स्पेस फेसलिफ्ट। दोस्तों, नई हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई वोल्सवैगन टिगोन पर से पर्दा उठाया गया है। अब ये कार भारत में लॉन्च होने जा रही है। गाड़ी को एक नई स्टाइलिंग और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा जहां गाड़ी को एक रीडिजाइन फेसिया मिलेगा जिसमें कि लेड हेडलैम्प्स लेड DRL एक रिवर्क्ड बम्पर और इंटीग्रेटेड लेड स्ट्रिप के साथ एक टिविक्ड ग्रिल शामिल है। इसके अलावा गाड़ी में 8.0 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनोरामिक सनरूफ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल रोड साइन रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। पावर ट्रेन में भारत के लिए नई वोल्सवैगन टिगोन को 2.0 लीटर TSI इंजन यूनिट मिलने की उम्मीद है जो अधिकतम 188 BHP का पावर आउटपुट और 320 NM का पीक टॉर्क पैदा करती है। कीमत की बात करें तो इस लेटेस्ट SUV को 37 लाख में खरीदा जा सकता है। ये कार 2022 के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। नंबर 9 पर है 2023 ह्युंडई पैलेसेड। दोस्तों, अपकमिंग ह्युंडई पैलेसेड के फीचर्स की बात करें तो इसमें खास फ्रंट ग्रिल रिडिजाइन लोअर बम्पर लेट डे टाइम रनिंग लाइट आदि मिलने की उम्मीद है। पावर ट्रेन में नई ह्युंडई में 3.8 लीटर V6 पेट्रोल इंजन का यूनिट मिलेगा जो कि 291 HP का मैक्सिमम पावर आउटपुट जनरेट करता है। इंजन को एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कीमत की बात करें तो 2023 ह्युंडई पैलेसेड मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए थोड़ी टाइट हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत होगी 38 लाख जो कि 45 लाख तक जा सकती है। अब लॉन्च डेट की बात करें तो नई ह्युंडई पैलेसेड को भारत में 2023 के बीच तक लॉन्च किया जाएगा। नंबर 10 पर है 2023 होंडा मिड साइज SUV HRV। दोस्तों, अपकमिंग होंडा एक बेहतरीन मिड साइज SUV है जो कि कॉम्पैक्ट डिजाइन में आ रही है। कंपनी ने कार की जो फोटोज इंटरनेट पर शेयर की हैं उसमें कार का लुक काफी शानदार लग रहा है। गाड़ी की हेडलैम्प्स क्लस्टर मौजूदा HRV से थोड़ा बड़ा और स्क्वायर शेप का है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल को पारंपरिक रूप से गोल रखा गया है जो कार को क्रॉस ओवरश अपील देता है। इसके अलावा गाड़ी में बड़े रियर डोर्स नई टेल लैंप्स अपडेट टेलीगेट और लगेज के लिए एडिशनल रूम मिलेगा। पावर ट्रेन में नई होंडा SUV को एक 2.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट और एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज यूनिट के दो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन 158 BHP वहीं 1.5 लीटर इंजन 180 BHP का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। कीमत की बात करें तो नई होंडा HRV SUV को आप 20 से 25 लाख के बीच में खरीद सकते हैं। होंडा की ये शानदार SUV अगले साल यानी कि 2023 की फरवरी में भारत में लॉन्च होगी।
तो दोस्तों इन आने वाली 10 कारों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट कारों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कारों की अपडेट के साथ।